Luis. हो जाएगा इस फिल्म उस गाने से ठाकरे शैली की झलक मिलेगी क्योंकि फिल्म उनके ऊपर तो गाने में भी ठाकरे बाला साहब के जिंदगी में और उनकी राजनीति में हमेशा ठाकरे टच ठाकरे शैली की झलक रही है और कुछ नहीं ठाकरे ही ठाकरे। हाँ सर इसके अलावा आपने वर्मा को लेकर जो अरे वो वर्मा जी के बारे में हमने लिखा है आज सीबीआई के प्रमुख है
जिस तरह से देखो सरकार को पूरा अधिकार होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर हो, चाहे सीबीआई चीफ हो, सरकार इतनी शक्तिशाली होती है किसी को भी निकाल सकती है, किसी को भी एक झटके में लगा सकती है, उनके लिए कोई कठिन काम नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, पार्लियामेंट है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, रिजर्व बैंक है, सीबीआई है, नीति आयोग है, ये बहुत सी संस्थाएं ऐसी है। हम उस संस्थाओं को अगर काम करने नहीं दिया इंडिपेंडेंटली तो देश खत्म हो जाएगा, देश टूट जाएगा। अगर किसी को आपको निकालना है तो देश को विश्वास में लेना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को क्यों निकाल रहे हैं और इस व्यक्ति को हम क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। सीबीआई चीफ अपने आप इस देश के लिए महत्व रखता है, ये कोई इमरजेंसी नहीं आई है देश में, ये मैं मानता हूँ। ज़रूर कोई कारण हो सकता है लेकिन देश के सामने वो कारणों का पता नहीं है। सर, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर राम मंदिर 19 के पहले नहीं बना तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। मुझे मालूम नहीं, हमने भी ये कहा है, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी ने भी यही कहा है। हमारी कमिटमेंट है 25 साल से देश की जनता के साथ कि हम राम मंदिर बनाएंगे और अयोध्या में बनाएंगे। उद्धव जी अयोध्या में इसलिए गए थे कि आज हमारे पास जो पूरा बहुमत है 282 प्लस शिवसेना मोर देन 300, ये भारी बहुमत फिर किसी को नहीं मिलेगा, ये राम के नाम पर मिला है और हम राम के नाम का खाता है। हार जाएंगे सर, आपको भी लगता है अगर नहीं बनाया तो मंदिर? एक मिनट मिनट सर, अगर नहीं है तो हार जाएंगे, लगते बीजेपी हार जाएगी? जरूर चुनाव में हमें लोगों को जवाब देना पड़ेगा, खास करके उत्तर हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने कहा है सर इंटॉलरेंस बहुत बड़ा है, इंटॉलरेंस बहुत बड़ा है, राहुल गांधी ने कहा है। देखिए राहुल गांधी दुबई में है, राहुल गांधी दुबई में है, विदेश में जाकर कोई बात करता है तो उसके ऊपर हिंदुस्तान में बात नहीं। सर आप गलत है, आप देखते सर स्टेटमेंट कैसे देखते सर, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कहा है कि इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं मुझे जो बात कहनी है मैं हिम्मत से यहाँ बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी जो बात कहना चाहते हैं देश और विदेश में वो बात करते हैं, तो कहाँ इंटॉलरेंस। लेकिन पाकिस्तान ने जो है हिंदी पे ठाकरे देखेंगे, चोरी छुप के जरूर ठाकरे देखेंगे। Yeah.
extend our thank yous to the music label, Zee Music Company, and also people who have made this event possible. Shri Praveen Chandra, General Manager, Hotel Taj Lands End, Mr. Manoj Dhumal, BKS Secretary, Taj Hotel Committee, and Grand Hyatt Committee. Please, inke liye zordar taaliyan ho jaye. Karyakram ki shuruaat hum karenge, ek bahut hi special insaan ko yahan stage par bulakar. May I please call upon Mr. Ajit Andhare, COO, Viacom 18 Studios. Sir, can I please have you on stage? Sir, very good afternoon. And sabse pehla sawal, sir. Itni badi film. I think 2019 ki ye sabse badi film hone wali hai. 2019 ki sabse badi film. आपके स्टूडियोज के साथ एसोसिएटेड है, ये इतना मैग्नानिमस एसोसिएशन सर कैसे रहा है, कैसे रही है अब तक की आपकी ये जर्नी? देखिए कई कारण हैं इसके. सबसे पहला कारण तो एक फिल्म मेकर एक स्टूडियो के लिए होता है सब्जेक्ट, और ऐसा किरदार और ऐसा सब्जेक्ट अगर आपको मिले तो आप अपने आप को खुशकिस्मती समझेंगे कि आप उस पर एक फिल्म बना रहे हैं. उसके बाद है ये हमारी जो साझेदारी संजय साहब के साथ हुई, एक लंबे टाइम से इसके बारे में डिस्कशन हुआ और इसमें हमारे जो दोनों के विजन्स थे वो जुड़े जी. और उसके बाद जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि हम लोगों के स्टूडियो के लिए ये 75वीं रिलीज़ है और 10वीं मराठी फिल्म है, तो उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होता. सर ऑल्सो द फैक्ट दैट इतनी मैग्नानिमस फिल्म, इतने बड़े पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट अपने महाराष्ट्र बट फॉर द होल वर्ल्ड, बाला साहेब ठाकरे हैज़ बीन सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. Must have been थोड़ा सा प्रेशर टू मैनेज सच अ ह्यूज फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े पर्सनैलिटी के ऊपर बन रही है फिल्म. सी मेनी पीपल कॉल अस द बायोपिक फैक्ट्री, यू नो वी हैव डन मेनी बायोपिक्स, भाग मिल्खा, मेरे कॉम, सेवरल ऑफ देम जी, बट दिस इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज इट जस्ट डजंट मेक यू नर्वस, इट एक्चुअली मेक्स यू स्केर्ड दैट वेदर यू वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस टॉल लीडर हु एग्जिस्टेड, दिस टॉल कैरेक्टर एज इवन अ सिनेमेटिक जस्टिस वेदर यू विल बी एबल टू डू सो. यस, but at the same time it also gives us the excitement, and look at the energy today in the room. I was telling Sanjay that we are used to some excitement, but whenever we are doing this function with our Shiv Sainiks here and our friends of Shiv Sena, I think the level of excitement goes to another level, you know. I just think to get a set of taaliya yaar kya baat hai sir. Thank you very much sir, and I will have you on stage again. Thank you so much. Dr. Shrikant Bhasi, chairman founder Carnival Group Go. Dr. Shrikant Bhasi, can I please have you on stage, sir? Namaskar. Sir, bahut hi ehem raaye hai is par.
the whole release that's going to happening be happening worldwide and in India. What is your take on it? So we are going to release this in a very wide range. So मैं आपको example देता हूँ, जैसे GCC हुआ, international market में, जैसे Bahrain, UAE, Qatar, and first time we are getting into Saudi. So we are getting more screen than the biggest movie done in 2018. So we are going to have at least about 200 screens in those areas. Sir, personality इतने बड़े हैं तो मतलब बनता ही है. And उसके बाद में Southeast Asia में we are going to be there in Singapore, Indonesia, Malaysia, except China. हम सब जगह पे यहाँ पे तकरीबन about 500 to 600 screen हम overseas में plan कर रहे हैं. सर वो चाइना का टेंशन नहीं सर, वो यहीं पे आके देख लेंगे हमारे हमारी पिक्चर. बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर. एंड नाउ आईड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज एमपी राज्यसभा जर्नलिस्ट फिल्म मेकर एंड ऑफ कोर्स द मैन जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, जो बाला साहब के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे, श्री संजय राउत साहब. सर प्लीज यार स्टेज पर. थैंक यू. अरे टाळ्याने स्वागत करा बाबा, एक काय तुमचं एनर्जी शिवसैनिक असं नाही म्हणजे आम्हाला. बोला सर, जेव्हा लास्ट टाइम आपण भेटलो होतं तुम्ही एक सुपर पॉइंट मला सांगितलं होतं की बाळासाहेब जे होते त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीवर खूप प्रेम होता आणि त्यांचं एक लाईफचं मंत्र होतं जिओ और जिने दो. नक्कीच. ह्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा जो मंत्र दिला, जसं आपण एका सिनेमाच्या संदर्भात भेटलो की जीव आवर जिने दो, कोणाचं नुकसान करून आपल्याला उभं राहायचं नाही, तुम्हीही जगा आम्हालाही जगू द्या आणि मग दोघे मिळून आपण पुढे जाऊया. ठाकरेच्या संदर्भात जी भूमिका आपण घेतली त्यावेळेला, त्या दिवशी आपण होता एक चीट इंडियाने जेव्हा सिनेमा त्यांचा मागे घेतला तेव्हा मी हे सांगितलेलं आहे. सर ऑल्सो आप बहुत ही क्लोजली एसोसिएट थे उनके साथ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें नहीं जानते उनके बारे में, छोटी छोटी बातें, इसीलिए ये फिल्म बनी है जी. और आपने खुद उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस किया जी. सर ऐसा एक मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं हमारे जनता के साथ, एक छोटा सा? ये सभी मोमेंट फिल्म के पर्दे पे है. ये सही राइटर है और सही प्रोड्यूसर है फिल्म के, कुछ नहीं बताएंगे. मुझे किसी ने कहा था जी कि आप बाला साहब के ऊपर एक किताब लिखिए जी. मैंने कहा कि बाला साहब की जिंदगी एक खुली किताब थी. बाला साहब ने अपनी जिंदगी की ऐसी एक भी बात जनता से छुपाई नहीं है. बाला साहब को किसी ने कहा था कि आप अपना चरित्र आत्मचरित्र लिखिए, बाला साहब ने यही कहा था मैं क्यों लिखूं, सब कुछ जनता को मालूम है. फिर भी मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए, ये जनरेशन के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए. आजकल लोग कम पढ़ते हैं और ज़्यादा देखते हैं, तो ये देखने वाले के लिए है. वेल आई थिंक हम बहुत ही एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए एंड 25 तारीख को फिल्म जब आएगी, यस थैंक यू, पूरी दुनिया देखेगी एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक आई सेड द बिगेस्ट फिल्म ऑफ 2019. थैंक यू वेरी मच सर. आईड नाउ रिक्वेस्ट द एवी टू बी प्लेड ऑफ पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट द एवी टीम टू काइंडली क्यू इन द एवी. थैंक यू. तुमचा एंथुसियाझम मला असं नको हा, प्लीज मी दोन कॉफी घेतली आहे इकडे. सर सर थोडा बताएंगे की सर क्या बोल रहे थे? देखिए सुनील जोगी ये इस देश के हिंदी के बहुत बड़े कवि है और पूरे विश्व में बड़े बड़े कवि सम्मेलन में उनका हिस्सा रहता है, उनको बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. जब इस फिल्म के गाने के बारे में हम सोच रहे थे, गाना फिल्म में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का म्यूजिक होना चाहिए, दो राय थी. कुछ लोग बोल रहे थे गाना नहीं चाहिए, गाना चाहिए. तो अचानक सुनील जोगी जी मेरे पास आ गए, हमारे मित्र हैं अनिल त्रिवेदी जी, उनके दोस्त हैं वो, और कहा कि मुझे ये फिल्म के लिए गाना लिखना है. तो मैंने कहा भाई गाना तो इस फिल्म में नहीं है, फिर भी हम सोचेंगे. फिर हमारे श्रीकांत बसु जी ने कहा गाना होना चाहिए. तो बात चलती रही, मैंने उनको कुछ एक आइडिया दिया था कि हमको ये वर्ड्स गाने में चाहिए, वो आप देखेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा कि ठाकरे ये नाम में जो ताकत है वो गाने में आनी चाहिए. ये ठाकरे
सबका बाप है, राजनीति में सब ठाकरे बाप है, फादर है, सब कुछ है। ये जो है हमारी भावना, ये गाने में आनी चाहिए। तो बार बार हम एक साथ बैठते रहे, बोलते रहे, और मुझे लगता है उसके बाद सुनील जोगी जी ने एक ऐसा गाना उनके कलम से निकला है, वो इतिहास में अमर हो जाएगा ये गाना, आप देखते रहिए। सर मैं बस इतना ही कहूंगा, क्या बात, क्या बात, अरे मजा नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, 1 2 3 क्या बात, क्या बात। वेल अब ये वो मौका आता है जहां पर मैं स्टेज एक्टर पार एक्सलेंस मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्लीज टाटा नहीं देते स्वागत करा। I'd also like to take this opportunity to invite the very beautiful, the very talented Amrita Rao. Ladies and gentlemen, please a big round of applause. Also inviting on stage Shiv Sena Supremo Shri Uddhav Thackeray ji. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Namaskar, sir. Sir, सर उद्धव जी, अब जो गाना हम लॉन्च करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सॉन्ग रहा है, क्योंकि आप थे जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, एंड बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स थे आपके लिए। सर तुम्हाला काय बोलायचं आहे याच्यावर, दोन शब्द। सर्वांना जय महाराष्ट्र। मगासपासून तुम्हाला प्रतिसादाची जी एक अपेक्षा आहे तो असा चार भिंतीत नाही मिळणार। कारण बाळासाहेब हे व्यक्तिमत्व चार भिंतीतलं नव्हतं, ते मैदानातलं होतं, त्याच्यामुळे तो जर आवाज ऐकायचा असेल तर मैदानात आलं पाहिजे, मैदानात उतरलं पाहिजे। या गाण्याबद्दलच्या आठवणी सांगायच्या तर एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपण असं म्हणतो की मोठी व्यक्ती असते, आणि मग कोणाला तरी विचारलं जातं की तुमचं काय मत आहे त्यांच्याबद्दल, मग ती सांगते की लहानपणी मी जेव्हा पाहिलं होतं तेव्हाच ओळखलं होतं की हे मोठे झाल्यावरती काहीतरी होणार, बाळाचे पाय मी पाळण्यातच ओळखले होते। तसंच या गाण्यांबद्दल आहे, कारण या गाण्याबद्दल सुरुवातीला संजय तू आला होतास शिवसेना बनमध्ये, त्यांनी चोरून ऐकवलं होतं गाणं मला मोबाईलवरती, कारण तेव्हा शब्द लिहिले गेले होते, त्याच्यावरती थोडीशी चाल रचली जात होती, आणि ते ऐकल्यानंतर मी संजयला म्हटले की संजय हे गाणं इतिहास घडवणार। आता मला उत्सुकता आहे की त्यावेळेला जे एक लहान बाळ मी बघितलं होतं ते आता मोठं झाल्यावरती त्यांनी किती तो आता कर्तृत्वाची शिखरं पार करेल त्याची मला एक उत्सुकता आहे। आणि स्टुडिओमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो होतो रेकॉर्डिंग चाललं होतं, रोहन रोहन, त्याच्यानंतर आपले नताश, हे सगळेच म्हणजे ते एक भारवलेलं वातावरण होतं। थोडंसं मी म्हणजे मला नेहमी भान ठेवावं लागतं, नाहीतर मी सुद्धा सगळ्यांबरोबर तेव्हाही नाचलो असतो, कारण स्वतः गायक सुद्धा नताश आप भी एन्जॉय कर रहे थे, आप गाना नाही गा रहे थे, आप एन्जॉय कर रहे थे। आणि मला असं वाटतं की ज्या वेळेला सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात, जी गोष्ट आपण करू इच्छित असतो ती नुसती शब्द नसतात, नुसती चाल नसते, नुसतं ते एक गायलेलं गाणं नसतं, ते सगळं एकत्रित जेव्हा होतं, सूर ताल लय शब्द, तेव्हा त्यातनं पाहिजे असलेल्या भावना ह्या व्यक्त होतात। आणि मला असं वाटतं की त्या गाण्यामध्ये पुरेपूर झालेल्या आहेत, सर्वांप्रमाणे मी सुद्धा उत्सुक आहे ते गाणं ऐकायला। हम बहुत अभी उत्सुक है इस गाने के लॉन्च के लिए, लेकिन जस्ट हम एक एक सवाल आपसे करेंगे। नमाज भाई बहुत बड़ा रोल है ये, मतलब जब हमने ट्रेलर देखा तो बोलते ना कि गूजबम्स मोमेंट हो जाता है कि भाई ये आप हर किरदार को मतलब
निगल जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से आप कर लेते हैं रोल को। प्रेशर था इस रोल के पहले? जी हाँ, बहुत बड़ा प्रेशर था और आई थिंक एक महीने तक तो मैं अपने आप में ही नहीं था ऐसा कि मैं बहुत ही नर्वसनेस बहुत थी कि मैं कैसे कर पाऊँ, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और किस तरीके से होगा क्या होगा। बट जितनी भी मुश्किलें थी वो धीरे धीरे आसान होती चली गई बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ माई प्रोड्यूसर जो हमारे, क्योंकि इतनी डिटेल थी उनके पास, संजय सर के पास, तो काफ़ी डिस्कशंस हुए उसके बाद, काफ़ी मैंने देखा उनको, इतना देखा मैंने कि शायद मैंने अपने अपनी लाइफ में अपने आप को नहीं देखा हुआ इतना तो धीरे धीरे होता चला गया, कोशिश की है, लेट्स सी देखते हैं क्या। सर कोशिश मतलब आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही है, सो आई थिंक एक बार जोर से ताले होनी चाहिए हमारे नवाज भाई के लिए। अमिताभ वेलकम बैक एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी ऑन द बिग स्क्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस फिल्म में देख के। आपका किरदार, आपका रोल जो है, ये मैं आपको सबसे ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आपका रोल क्या है, आप क्या है, मैं बस इतना कहूंगा कि हाउ इज योर जर्नी बीन थ्रू दिस फिल्म, आपके लिए कैसे रही इस फिल्म में आपका पूरा एक्सपीरियंस? श्योर ग्लेन, सगाना नमस्कार। माला आई एम वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली कि इस फिल्म के ज़रिए इतने बड़े शख्स, इतने इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ जुड़ने का मौका मिला, एक तरह से उनके ज़िंदगी जीने का मौका मिला, और ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी था क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसे किरदार को निभा रही हूँ इस फिल्म में जो एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी पे है, कोई फिक्टिशियस रोल नहीं है, और मैं कुछ समय के बाद पर्दे पर आ रही हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को ये ना लगे कि अरे ये तो अमृता राव है यही मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मीना ताई जी जो है उनके बारे में कोई भी ना कोई वीडियो है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आई थिंक संजय राउत जी ने बहुत मदद की वहाँ पे, एंड द होल टीम वॉज वेरी काइंड, दे गेव मी एज मच ऑफ रेफरेंस एज दे कुड, सो आई रियली होप आई, बट वी आर वेरी हैप्पी कि यू नो आप इस किरदार में हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑन स्क्रीन एंड द फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू इट्स नाउ टाइम कि हम गाने को लॉन्च करें, प्लीज तालियों के साथ इस गाने को हम लॉन्च करेंगे, द सॉन्ग IRA, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज थोड़ी तालियां होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होनी चाहिए, सीटियां होनी चाहिए, पहला गाना आज का हम यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। सर हैव अ सीट प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। मतलब जिन्होंने इस गाने में इतनी जान डाली है, इतना एंथुसियाज्म कि सर आपने सोहन रोहन, आई थिंक दैट वाज फैबुलस, द पूरी म्यूजिक टीम जो यहां पर है, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। एक फिल्म और भी अच्छी हो जाती है जब आप लोग ऐसा म्यूजिक देते हैं जो इतना फील होता है उसमें, सो थैंक यू वेरी मच द लिरिसिस्ट, द सिंगर्स, द कंपोजर्स, म्यूजिक की वजह से जान है, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा संजय राव जी को। सर कृपया स्टेज पर आ, हमारे अगले गाने के बारे में एक छोटी सी झलकी आपको दिखाएंगे हम और उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच संजय राव जी, प्लीज ताने ने दें तो स्वागत करा प्लीज। गाने का झलकी मैं नहीं दिखाऊंगा, बोलिए सर जो अगला गाना है इसके बारे में थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करिए हमारी जनता को। और कौन सा गाना है मुझे बताइए, बहुत गाना है मराठी अपन दोन हिंदी गाने पाहिली, आपने दो हिंदी गाना देखा है जी, सुना है जी, रिस्पॉन्स भी देखा है जी, तो मराठी फिल्म भी आ रही है, तो हमको लगा कि एक मराठी गाना ऐसा होना चाहिए जिसमें बाला साहब की जो स्टाइल थी, जो औरा था, वो उस मराठी गाने भी होना चाहिए, तो उसके ऊपर काम शुरू हुआ। और ठाकरे ठाकरे जो आपने देखा IRA सबका बाप रे, तो उसी लेवल का ये मराठी गाना सबका बाप रे बनकर अब पूरे महाराष्ट्र में गूंजेगा, साहेब आपले साहेब आपले। रोहन रोहन ने तर जबरदस्त संगीत दिला है, मंदार चोळकर यांनी त्या गाण्याचे बोल लिहिलेले आहेत,
अवधूत गुप्ते येणार होते, अजून पोचले नाहीत, ते बाहेरून निघाले आहेत. आणि अवधूत गुप्तेने त्या गाण्यामध्ये जी एनर्जी टाकलेली आहे ना, जबरदस्त. आपण खरोखर पहा. ॲब्सोल्युटली. आय रिक्वेस्ट द टीम टू प्लीज क्यू द ट्रॅक ताकी हम इस गाने का आनंद उठा पाए. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. लॉन्च करने के लिए और गानों के बारे में बात करने के लिए मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगा जो यंग डायनामिक है. मैं इनको इतना ही कहूंगा, ये मेरे कॉलेज के सीनियर भी रह चुके हैं, युवा सेना के चीफ एंड वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बैक मुंबई नाइट लाइफ. आई वुड जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फ्रॉम ऑल द यूथ. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आदित्य ठाकरे. Thank you. It's a pleasure, it's an honor to have you, Andy. उत्साह असाच येतो सर. बट सर त्यांना पण बोलू द्या ना तर. इतनी बड़ी फिल्म बन रही है एंड आपके ग्रैंडफादर को म्यूजिक से बहुत लगाव था, उन्होंने यूथ को इतना एम्पावर किया. हर एक फ्रेम में जब हम देखते हैं, गाना हो या फिर ट्रेलर हो, हमें ऐसा लगता है कि ही वॉज ऑलवेज फॉर द यूथ एंड म्यूजिक के शौकीन. इसके बारे में आपका क्या कहना है? नक्कीच, सगळ्यात पहिलं म्हणजे खरोखर संजय काका अभिनंदन, एवढं चांगली अशी फिल्म बनते. आणि रोहन रोहन नॉर्मली रो रो बोट असते, पण ही मला वाटतं स्पीड बोट आहे. सगळीच गाणी ऐकली आणि खरोखर मस्त वाटतं, एक नवीन एनर्जी आहे त्याच्यात. 2019 हा नक्कीच ठाकरेचा आहे. ग्लेन, तुम्ही आत्ता विचारत होतात की म्युझिक आणि आजा, खरं म्हणजे पहिल्यापासून आपल्याला माहिती असेल, पहिलं मला वाटतं पंजोबांनी त्यांना एक म्युझिक वाजवण्याचं हे दिलेलं आणि पंजोबांना वाटायचं की आजा म्युझिकमध्ये यावं, पण त्यावेळी त्यांना काही वाजवता आलं नाही. नंतर जे अन्याय करायचे त्यांची वाजवायचे ते, तर ते एक इन्स्ट्रुमेंट झालं. पण मला आठवतं की कुठचंही गाणं असो, कुठचंही जॉनर असो, मग राईट फ्रॉम मायकल जॅक्सन टू अन ॲल्बम आय हॅड प्रोड्यूस अँड रिटन लॉंग बॅक, आय रिमेंबर वन्स आय हॅड दिस थिंग, आय मीन वेन आय वॉज अ किड आय यूज टू डान्स बॅक देन वेअरिंग मायकल जॅक्सन क्लोथ्स अँड थिंग्स लाइक दॅट, अँड ही यूज टू डिस्कस दोज सॉंग्स विथ मी अँड बेसिकली समटाईम्स हिअर दोज सॉंग्स विथ मी बिकॉज द सॉंग वॉज एनी वे प्लेइंग ऑन फुल व्हॉल्यूम इन अ हाऊस. आणि नंतर जेव्हा ॲल्बम झाला तेव्हा पण त्यांनी प्रत्येक गाणं ऐकलं, त्याच्यातले काही चेंजेस सांगितले, काही म्युझिकमधले चेंजेस असतील, काही गाण्यातले चेंजेस असतील, स्पष्ट शब्द ऐकू नयेत वगैरे, तर त्यांना खूप आवडतं होतीच म्युझिकची. बहुत ही क्लोजली असोसिएटेड थे उनसे, अँड ऐसी कोई बात जो आपको अभी भी आपके जहन में है उनके बारे में, जो आपको बहुत याद आती है, कुछ ऐसी कोई बात पर्टिकुलर? आई थिंक टेकिंग क्यू फ्रॉम संजय जी, आप स्क्रीन पे ही देखेंगे. परफेक्ट, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. बट बिफोर मूविंग अहेड, आप एक सरप्राइज ट्रैक लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पर, उसके बारे में करेंगे बात. लेकिन अवधूत जी इज हियर, प्लीज सेंसर टाणा ने स्वागत करा स्टेज पर. अवधूत गुप्ते इज हियर विद अस. नमस्कार सर, गिव मी द माइक प्लीज. सर क्या एनर्जी डाली है आपने ट्रैक में, मतलब इतना भारी भरकम ट्रैक. नहीं, जिस पर्सनालिटी की फिल्म है उसके लिए मेरे जगह पे अगर कोई चीटी भी गाती तो इतनी ही आवाज आती थी. क्या बात बोलिए सर. सर एक फिल्म, ऐसी बड़ी फिल्म के साथ इन्वॉल्व होना, अपने लाइफ में टू बी एसोसिएटेड ऐसी फिल्म के साथ, आपके लिए कैसा था, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? प्रश्नाचं उत्तर देण्याआधी सर्वांना, मला मी आता जस्ट लेट आलो एअरपोर्टवरनं, गाणं कसं वाटलं सगळ्यांना? थँक्यू. नाही, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बाळासाहेब के लिए जब शिवसेना गीत किया था उसके साथ काफ़ी सारे इलेक्शन्स के गाने किए थे, तो आई ऑलवेज फील कि जब भी शिवसेना ये नाम आता है, जब भी बाळासाहेब ठाकरे ये नाम आता है, तो पूरा एक माहौल में एक करिश्मा फैल जाता है, जो कि करिश्मा मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं गाना गाने के लिए YRF में पहुंचा. रोहर रोहन ने ट्रैक पहले ही भेज दिया था, मैंने लव्स पढ़ लिए थे, लेकिन जब मैं अंदर गया और माइक के सामने खड़ा रहा तो मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि आजू बाजू कहीं बाळासाहेब है और वो मुझे सुन रहे हैं. तो मैंने
एक जैसे कोणी भक्त आपल्या देवासाठी एखादं फूल किंवा चरणी त्याच्या वाहतो त्या भावनेने मी त्यावेळेला गायलो आणि मला असं वाटतं की त्यामुळे जी काही एनर्जी आली आहे ती आज तुम्ही गाण्यामध्ये ऐकताय. सर वही एनर्जी हमें उस गाने में देखी. एंड आई रियली वांट टू थँक यू की आपने इतना पॉवरफुल ट्रॅक दिया 2019. थँक यू सो मच. थँक यू सर. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू. रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक अ सीट. अरे थांब सर, ट्रॅक लॉन्च करण्यानंतर एक मिनिट प्लीज सर, इफ यू डोंट माइंड. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. अच्छा, द नेक्स्ट ट्रॅक जो आप लॉन्च करने वाले एक स्पेशल थीम सॉन्ग है. एंड ये एक सरप्राइज. जी सर, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. तो आई थिंक यू शुड गो हेड एंड अनवील इट. लेट्स टेक द क्यू देन डायरेक्टली ऑन टू दैट. एब्सोल्युटली. थैंक यू. शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी को सर प्लीज आइए. I'd like to invite युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे टू प्लीज कम ऑन स्टेज. एक्टर पार एक्सलेंस नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द वेरी टैलेंटेड अमृता राव. I'd like to also invite on stage MP Rajyasabha producer, journalist, श्री संजय राउत साहब प्लीज कम ऑन स्टेज. मिस्टर अजीत अंधारे सर, कैन आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. डॉक्टर श्रीकांत भसी, अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, मिसेस वर्षा राउत, मिस पूर्वशी राउत, मिस विदिता राउत, बिजनेस हेड मराठी एंटरटेनमेंट वायकॉम 18 निखिल साने, आणि म्युझिक कंपोजर्स रोहन रोहन टू प्लीज कम ऑन स्टेज. ऑल्सो कॅन आय प्लीज हॅव ऑन स्टेज मिस्टर अवधूत गुप्ते. सर कॅन आय प्लीज हॅव यू ऑन स्टेज. अँड ऑल्सो द मॅन, द जबरा फॅन, कॅन यू प्लीज हॅव नकाश भाई ऑन स्टेज. थँक यू. Lyricist Mr. Manoj Yadav sir, can we please have you on stage? And now the moment we've all been waiting for. Aap yana please taaliyane या मोमेंट जी. लेट्स वेलकम दिस मोमेंट विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. जब हम अनवील करने वाले हैं, अरे जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो मोमेंट आ गया और इतना कम जोश यार. अरे अरे स्पेशल थैंक यू टू जी म्यूजिक कंपनी एंड द एंटायर टीम हु हैज पुट टुगेदर सच एन अमेजिंग म्यूजिक एल्बम. अरे फोटो ऑप होणार नंतर, तुम्ही थोडस वेट करा, फोटो ऑप करणार आम्ही. हॅलो 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 हॅलो. अरे
हम एक मीडिया Q&A अब करने वाले हैं, उसके बाद फिर से एक फोटो ऑप होगा। तर एक फोटो घेऊया आपण, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच, या सर, संजय सर मी रिक्वेस्ट करा, तुम्ही अमृता मॅम, संजय सर, नवाज सर, आप रुके मीडिया क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सर मीडिया सवाल पूछेंगे सर। आदित्य वी रिक्वेस्ट यू प्लीज वेट फॉर द मीडिया क्यू एंड ए, बताइए आदित्य कुछ पूछना चाहते हैं तो। डॉक्टर श्रीकांत एंड मिस्टर अंधारे, कुड आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज फॉर द मीडिया क्यू एंड ए, थैंक यू। मीडिया क्वेश्चन आंसर्स सेशन के लिए हम अब आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन पूछने से पहले आपका नाम ले और अपने मीडिया हाउस के बारे में थोड़ा बताएं, यानी कि आप कौन से मीडिया हाउस से हैं, और फिर सवाल पूछें। सवाल प्लीज फिल्म के पर्टेनिंग रखें, हम थोड़ा सा भटक ना जाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू वेरी मच। हेलो, मोबाइल खाली ठेवा प्लीज, कृपया रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला सर्वांना। हेलो हनुमान सर, राव साहेब नमस्कार, राव साहेब इकडे सर, तिकडे नमस्कार, आम्ही बोला, गाणी खूप चांगली आहेत, आवडली गाणी। प्रश्न असा आहे की चित्रपट दिग्दर्शक अभिजित पानसे का आले दिसत नाहीत कुठे इकडे म्हणून। अभिजित पानसे हे डबिंग मध्ये बिझी आहेत, चित्रपट उद्या सेन्सॉरला जायचा आहे मराठीसाठी, आणि प्रत्येक टीम डायरेक्टर टीम ही तिकडे कामात आहे। हा म्युझिक लॉनचा कार्यक्रम रोहन म्युझिक डायरेक्टर इकडे आहेत ना, सिनेमाच्या डबिंगचा प्रश्न आहे तर त्याबाबत इकडे सर, महाराष्ट्र टाइम्स, हा बोला, सिनेमाच्या डबिंगचा प्रश्न आता, डबिंगचा काम चालू आहे तर त्यावर जरा सविस्तर सांगू शकाल मराठी सिनेमाबाबत। हिंदी सिनेमा सेन्सॉर मधून बाहेर पडलेला आहे, हे मी तुम्हाला आता काळजीत, हिंदी सिनेमा सेन्सॉरच्या कैचीत वगैरे अजिबात सापडला नाही, जिथे कैची होती तिकडे आम्ही पण थोडी धार लावली। आणि आता मराठी सिनेमा, मराठी जो आहे ते परवा सेन्सॉरकडे जाईल, त्यासाठी काही बदल मराठी आणि हिंदीमध्ये नक्कीच आहेत सिनेमामध्ये, तर त्यासाठी डायरेक्टर टीम पूर्ण कामाला लागलेली आहे आमची। मला असं वाटतं की हे पुरेसं आहे आपल्याला आज एवढं सांगणं की हिंदी कैचीतून सुटला। संजय सर नमस्कार, संजय सर, संजय जी मैं सुहेल फिदाई बॉलीवुड हलचल से। जिस तरह की फिल्म बहुत ही पावरफुल लग रही है, म्यूजिक भी उतना ही पावरफुल है, सबको बधाई हो इसके लिए, थैंक यू। फिल्म के टाइटल को लेकर बात करना चाह रहे थे कि पहले से इट वॉज डिसाइडेड कि फिल्म का नाम सिर्फ ठाकरे रहेगा या फिर बाला साहेब ठाकरे, हाउ डिड यू वर्क ऑन योर टाइटल पे, किस तरह से आया? नहीं, ठाकरे में वजन है, दस ताकत है, वजन है, आई एम ठाकरे, करेक्ट। इस देश में ऐसा कौन सा भी नाम नहीं है ब्लास्टिंग जो ताकत ठाकरे में है, तो ठाकरे आया रे सबका बाप रे ठाकरे, या आप किसी और नाम के साथ ये शब्द जोड़ सकते हो? नहीं, सिर्फ ठाकरे। संजय सर, दूसरा सवाल मेरा इसी पर है एक्चुअली, के जैसे आपने कहा कि ठाकरे जी की लाइफ एक खुली किताब थी, बहुत से लोगों को इस तरह से लगता था कि थोड़े एंटी मुस्लिम थे वो, एक्चुअली ऐसे ऐसे बाला साहब कभी एंटी मुस्लिम नहीं थे, लोगों का एक थोड़ा जहन इसमें इस तरह से था, बट आपने फिल्म में डेफिनेटली वो दिखाया है कि बहुत से क्लोज लोग जो थे वहाँ मुस्लिम भी ठाकरे साहब के साथ थे, एक सीन है जहाँ पर मतलब नमाज पढ़ते हुए दिखाया है, तो यू नो हाउ इज दैट थिंग ऑल्सो, लाइक इट्स, देखिए बाला साहब एक
बहुत बड़े देशभक्त थे और ऐसे देशभक्त थे कि देशभक्ति के सामने बाला साहब ने कभी जात धर्म को आने नहीं दिया, सेक्युलर करेक्ट, कभी नहीं आने दिया। लोगों ने हमको पूछा कि आपने नवाज भाई को बाला साहब ठाकरे बनाया, वो बड़ा एग्जांपल, ये बाला साहब ठाकरे के आइडियोलॉजी को सबसे बड़ा सैल्यूट है कि नवाज भाई ये रोल, करेक्ट करेक्ट, उसमें सब कुछ है। और नकाश जी ने ठाकरे का सबसे बड़ा सॉन्ग गाया है, करेक्ट। तो बाला साहब सभी जाति और धर्म से ऊपर रहे, नेशनलिस्ट रहे हमेशा, और सबको साथ लेकर देश को आगे जाने का काम अगर किसने देश में किया है वो बाला साहब ठाकरे जी ने किया है। मेरे तरफ से और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जिस तरह के अभी यही वीक में फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई, अभी फिल्म आ रही ठाकरे, तो हम कह सकते हैं कि पार्टी की कैंपेनिंग भी फिल्म द्वारा हो रही है। पार्टी की कैंपेन मुझे लगता है, मुझे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो फिल्म है, मुझे लगता है एक फिल्म बनी है संजय बारू के किताब पर, और बाला साहब के ऊपर तो ऐसी कोई किताब ना लिखी है ना लिखी जाएगी। ये कोई प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, जैसे गांधी फिल्म आई थी, नेल्सन मंडेला, बाला साहब ठाकरे, और इस वर्ल्ड में और देश में है कौन? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट मेकिंग सच ए ग्रेट फिल्म फॉर ग्रेट पर्सनैलिटी। सर, आई वुड लाइक टू नो स्मॉल थिंग, वन थिंग फ्रॉम यू, सी हाउ यू गॉट दिस आइडिया टू राइट दिस मूवी स्टोरी, एंड हाउ लॉन्ग यू हैव टेकन टू राइट दिस स्टोरी सर? देखिए, सवाल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर फिल्म बनाने की आइडिया आने की जरूरत नहीं है। नो नो, द थिंग इज दैट सिंस यू आर राइटिंग दिस, सिंस यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया, सी देयर आर सो मेनी बिग पर्सनालिटीज हैव कम एंड गॉन, बट अप टिल नाउ फॉर एवरीबॉडी इट इज नॉट रिटन। द ठाकरे साहब वॉज द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड दैट इज वाई यू गॉट दिस आइडिया when you are writing it, so how many days or how many months you have taken to complete this story? 15 din lage mujhe. Oh, I see. I would like that sab pura construct kar dekhe, maine meri puri zindagi unke sath gayi hai, to mujhe lagta hai ki jo bhi main unse liya hai, mere par usne jo mujhe banaya hai bala sahab ne, to mujhe lagta hai ki mujhe zyada sochna pada ये लिखने के लिए। हेलो सर, संजय सर, सर सर सर, एक मिनट सर, बराबर प्रश्न विचरण की संख्या, एक एक सवाल यहाँ से आ रहे हैं। फैंटास्टिक म्यूजिक, तो अमेजिंग। मैंने पहले नहीं सुना था उस वक्त पे, जब पहला जो ट्रैक था वो जब हम शूट कर रहे थे तब सुना था वो, आज प्रॉपर पूरी तरीके से सुना है मैंने, तो इट्स अमेजिंग। संजय जी, क्लबिंग वाला वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, वो बहुत ही मेरे लिए बम ऐसे आके आया, सुनने के बाद बहुत जोश आ गया, अभी जब बाहर जाके दिखाता हूँ। संजय जी इकड़े सर, तिकड़े, हाँ इकड़े किती थिएटर्स मध्ये पॅन इंडिया हा चित्रपट रिलीज होतोय? मगाशीच मला आमचे अजित अंधारे यांनी सांगितलं की या क्षणी आत्ता तरी आम्ही जवळजवळ 1200-1300 स्क्रीन्स मध्ये हा सिनेमा लागतोय। त्यानंतर श्रीकांत बसीजीने कहा है की इंटरनॅशनली 400-500 इंटरनॅशनली, आणि मला वाटतं ही फार मोठी गोष्ट आहे की ठाकरे सिनेमासाठी देशात आणि जगाच्या नकाशावर इतके स्क्रीन्सवरती हा आपण सिनेमा दाखवतोय आणि अजून वाढणार आहेत, ही आजची सुरुवात आहे, अजून वाढतील। सर नमस्कार, सर इकडे समोर, सर विराज मुळे बोलतोय सर, News 18 लोकमत मधन बोला। आपण वारंवार तुम्हाला प्रश्न विचारला जात होता, पण आता जे अवधूत गुप्तेंचं जे गाणं लॉन्च झालं त्याच्यामध्ये आम्हाला जे दोन ठिकाणी बाळासाहेबांचा आवाज जो ऐकू येतोय तो त्यांचा जो ओरिजिनल आवाज होता तो आता ऐकू यायला लागलाय, तुम्ही दरवेळेस तो प्रश्न टाळताय, पण सिनेमात जो मराठी सिनेमा आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला जो लोकांना चेंज एक्सपेक्टेड होता चेतन शशिथल यांच्या आवाजातला तो ऐकायला मिळणार आहे का? एक लक्षात घ्या की हे सिनेमाचा एक छोटासा भाग आहे,
सिनेमाचं मराठी सिनेमाचं जे डबिंग होतं ते खरं म्हणजे आम्ही नवाज भाईंकडूनच करून घेत होतो आणि त्यांचं ते झालेलं सुद्धा आहे. जर हिंदीमध्ये आपण पाहिलं होतं ते आपल्याला कळेल. याशिवाय इतर तीन लोकांकडून आम्ही ते डबिंग करून घेतो आहोत. तीन त्यातलं एक नक्की चेतन सशीतल आहे, सचिन खेडेकर आपण काही लोकांनी सांगितलं, अजून काही दोन प्रमुख लोक आहेत. त्यातलं आता फायनल सेन्सॉरला जाण्यापूर्वी आम्ही उद्या निर्णय घेतो आहे, पण आपल्या मनातल्या ज्या ज्या शंका आहेत त्या उद्या संध्याकाळपर्यंत दूर होतील. सर मी नंदकुमार पाटील बोला. ऑलरेडी तुमचं एक काय बोलतात शिवसेनेचा प्रचार किंवा ऊर्जा वाढवणारं गाणं शिवसेना शिवसेना अस्तित्वात आहे. असं असताना आता जे इलेक्शन येणार आहे त्याच्यामध्ये हे गाणं जे नव्याने या गाण्याचा तुम्ही इलेक्शनशी संबंध जोडू नका. हा एक चित्रपट आहे ज्याला तुम्ही बायोपिक म्हणता. हा बाळासाहेबांचा चरित्रपट आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे हे या देशातलं असं व्यक्तिमत्व होतं, हे राजकारणापलीकडलं सुद्धा व्यक्तिमत्व होतं हे तुम्ही समजून घ्या. अर्थात बाळासाहेब आणि शिवसेना हे वेगळे नाहीत. माझा प्रश्न आदित्यजींसाठी आहे. मनाली फ्रॉम न्यूज 18 लोकमत. आदित्यजी, सिनेमाचं ट्रेलर आलं आज, म्युझिक लॉन्च झालं, तर हे सगळे व्हिडिओ बघताना बाळासाहेब म्हणजे तुमच्यासाठी तुमचे आज्या नक्कीच प्रत्येक क्षण आज डोळ्यासमोरून जात असतील, हे सगळं पाहताना गेले असतील. नक्कीच. आणि खरोखर मी नवाजींचं खरोखर अभिनंदन करतो, कारण जर आजा आणि मग बाळासाहेब असं जर बघितलं आपण तर मला वाटत नाही देशात एवढा मोठा सुपरस्टार कुठचाही असू शकतो. म्हणजे नुसतं आजोबा म्हणून नाही, पण एक जरी फोटोग्राफर म्हणून बघितलं किंवा फिल्म मेकर म्हणून बघितलं आणि तुम्ही इथे त्यांचा जर फोटो किंवा जे आज एक स्टायलाइज व्हर्जन केलेलं इथे त्यांचं वागणं जसं असेल, त्यांचे डोळ्यातले भाव, त्यांचे केस, त्यांचं नाक, मला वाटत नाही एवढे परफेक्ट पर्सनॅलिटी कॅमेरावर कुठची असू शकते जेवढं ग्रेसनी ते चालायचे किंवा वागायचे. आणि मला वाटतं जवळजवळ नवाजींनी तेवढं आणलेलं आहे त्याच्यात, असं वाटत होतं अरे आज स्क्रीन आहे. तर खरोखर त्यांचं अभिनंदन करतो मी. आणि अर्थात खूप सारे असे मोमेंट्स होते जिथे इमोशनल झालो बघून आठवण येऊन, मला वाटतं की हा सिनेमा खरंच लोकांना ती आठवण आणून देईल परत एकदा. आदित्य सर, प्रश्न असा आहे की तुम्ही स्वतः कवी मनाचे आहात आणि तुम्ही अनेक अल्बम तुमचे आलेले आहेत. खुद्द अमिताभ बच्चन तुमच्या कॅसेट प्रकाशन सोहळ्याला आले होते आणि बाळासाहेबसुद्धा त्या सोहळ्याला होते. हे गाणं ज्यावेळी लिहिलं गेलं त्यावेळी त्याचा परिणाम तुमच्यावर कितपत झाला? आता कवी मन सगळं प्रचार सभेत चाललेलं आहे, पण खरोखर जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा गाणं ऐकलं मी आणि उद्धवजी आम्ही स्टुडिओला गेलो ऐकायला, मला वाटतं यशराज स्टुडिओजला पण जे गाणं ऐकत होतो, मनोजी इथे आलेले आहेत मगाशी ते स्टेजवर येऊन गेले परत, मला वाटतं त्यांचं अभिनंदन करणं गरजेचं, कारण एवढं इम्पॅक्टफुल गाणं आणि त्याच्यात सगळंच त्यांचं कॅरेक्टर आणणं इथे बसलेलं ते, त्यांचं सर्वांनी मला वाटतं एकदा टाळेबाजून अभिनंदन केलं पाहिजे. खरंच खूप चांगलं गाणं लिहिलं. हॅलो आदित्य, मी दिनेश मोरे इथे. आदित्य, हा चित्रपट बाळासाहेबांच्या आयुष्यावर आहे आणि बाळासाहेबांनी ज्या पक्षाला उभं केलं त्या पक्षाला पटक देण्याची भाषा महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येऊन एका नेत्याने केली आहे. ठाकरे कुटुंबियांकडून अजून यावर प्रतिक्रिया आलेली नाही, तुम्ही काय सांगाल ज्या नेत्याने सांगितलं की हम शिवसेना को पटक देंगे? मला वाटतं पहिलं आपण 25 तारखेला फिल्म बघूया आणि मग बाकी सगळे विषय जे छोटे मोठे असतील ते नंतर बघूया. राऊत सर, वैदेही काणेकर, साम टीव्ही बोला. राऊत सर, बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांचे विचार याला खरंच काही तोड नाही आहे, हे आजही प्रत्येक जण मानतोय, पण आज बाळासाहेब ठाकरे असते तर बेस्टच्या संपावर कुठला निर्णय दिला असता? हा सिनेमा खूप बेस्ट झालेला आहे. राऊत सर, या गाण्याचं संगीत अत्यंत बेस्ट आहे, प्रत्येक गोष्ट बेस्ट आहे आणि जिथे ठाकरे आहेत ते बेस्टच बेस्ट असतं. व्यंगचित्र जे बाहेर लावलेले आहेत त्याच्यामध्ये निश्चितच मराठी माणसांसाठी त्यांनी जे रेखाटलेले व्यंगचित्र आहेत ते प्रामुख्यानं दिसून येत आहेत. आणि दुसरीकडे ज्या पद्धतीची गिरणी कामगारांची अवस्था झाली होती ती देखील त्यांनी दाखवलेली आहे. बेस्टचा संप हा सध्या मुख्य आहे, त्याच्याबद्दल त्यांनी कुठला म्युझिकच्या ट्रॅकवर बोलत होतो, तुम्ही ट्रॅक सोडून बोलताय. राऊतसाहेब, मयुरेश आज तक से, यहाँ राऊतसाहेब इकडे, ये सवाल आपको और आदित्य को है बेसिकली कि बाल ठाकरे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, महाराष्ट्रियन थे, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि मराठी सिनेमा को थिएटर मिलने के लिए बहुत परेशानी हो रही है. आपकी पार्टी हो और कोई पार्टी हो,
सब मिलके एक आंदोलन करते तो इसको देख इसको लेके आप क्या कहोगे? मुझे लगता है 1200 थिएटर तो मिल गए अभी। मैं आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका सवाल जो है गलत है। अजीत अंधारे जी मेरे साथ बैठे हैं, खड़े हैं। काशीनाथ घाणेकर मराठी फिल्म, क्या कुछ प्रॉब्लम था थिएटर मिलने में? मुझे नहीं लगता है, आप बताइए। आई थिंक हा जो सब्जेक्ट आहे आपण ते दृश्य सिनेमामध्ये बघू आहे, पण ही म्हणजे मला वाटत नाही, आज आम्ही मराठीमध्ये सिनेमे करतो, हिंदीमध्ये करतो, हॉलिवूड करतो, मला वाटतं ही गोष्ट आज हा आपल्याला प्रॉब्लेम नाही आहे। आणि जर एक अशी फिल्म असेल ज्याला ज्याला हा प्रॉब्लेम नसणारच, तर ती ही फिल्म आहे। तर मला नाही वाटत त्याच्यावर आपला काही मराठी मे 2 महिने मे इतनी फिल्मे आई है जिसमें घाणेकर है, भाई है, अब ठाकरे है। मुझे लगता है कोई थिएटर का प्रॉब्लम नहीं है। आपने पर्दे पे देखा होगा, बाला साहब ने ये प्रश्न हमेशा के लिए मिटा दिया था उस वक्त। 1200 स्क्रीन मधील मराठी आणि हिंदी किती असतील? 1200 स्क्रीन मधील मराठी आणि हिंदी बायफर्केशन कसं असेल? सो मराठी में म्हणजे जो आपला मेन प्लॅनिंगचा प्रिन्सिपल आहे की जितकी आपली ऑपॉर्च्युनिटी म्हणा, युनिवर्स म्हणा, जितके आपले थिएटर्स आहे, आपला कोणताही थिएटर सुटलेला नाही पाहिजे। म्हणजे ही संख्या आपली 400 टच होणार किंवा क्रॉस होणार, आणि ही नुसती मराठी आहे। आणि मग त्याला सोडून हिंदी आणि दुसऱ्या टेरिटरीजमध्ये जे स्क्रीन लागणार आहे ते जसं आज सांगितलं ती संख्या 1200 करीब येतेच। सो मराठी मे तो दिस विल बी अ बिगेस्ट रिलीज वी हॅव एवर डन। Hi, I'm Preeti Sompura from India TV. My question is for Nawaz. Nawaz, इस कैरेक्टर के लिए जो है आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी? क्या आपने बाला साहेब की पुरानी स्पीच भी सुनी थी, या फिर आपने हमने सुना कि आपने मराठी लैंग्वेज भी इसके लिए आपने सीखी है? जी, सब सीखा, जितना भी मैं कर सकता था सब किया। अभी फिलहाल तो क्योंकि मेरे ख्याल से म्यूज़िक का है, म्यूज़िक के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं आज। बट मैं जो अपने बारे में बताऊंगा, जो मैंने किया था, वाकई मैंने बहुत मेहनत की थी। और कितनी मेहनत की थी वो खैर मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आज तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। सर थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई लुक्ड हिंदी, ओके। तो मैंने पहले इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे बाला साहेब जी के स्पीचेस देखे, ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने कुछ मीनाताई के बारे में ज़िक्र किया होगा, बट मोस्टली वो सारे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस थे। फिर बहुत ढूंढ ढांढ के मुझे एक इंटरव्यू मिला जो बाला साहेब के यंगर सिस्टर का था, मिसेस संजीवनी करंदीकर का, और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि मीनाताई जो थी वो प्रबोधन कर ठाकरे जी, यू नो हाउ वॉज शी एज अ डॉटर इन लॉ, हाउ वो एक पत्नी के रूप में कैसे थी, वो एक माँ कैसी थी घर में, वहाँ से मुझे, और एक सिस्टर इन लॉ कैसी थी, वहाँ से मुझे बहुत ब्रीफ बट अच्छा क्लू मिला। उसके अलावा लिमिटेड फोटोग्राफ्स थे जहाँ पे मैंने देखा उनका फेशियल एक्सप्रेशन, वो होठ अपना कैसी रखती थी, उनके फेस पे एक भाव एक टिपिकल था, उसको मैंने स्टडी किया, उनका बॉडी लैंग्वेज। एंड आई थिंक इतना एज, मतलब फ्रॉम 28 to 60 ईयर्स की उम्र तक आप मीना जी को देखेंगे, तो वो भी एक चैलेंज था। बट आई थिंक अमृता, वेरी इंपॉर्टेंटली, नॉट हैविंग अ रेफरेंस और एक विजुअल अपने दिमाग में बनाना कि ऐसे, और उससे जस्टिस करना, वो बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों ने देखा है। बट टू डू दैट आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब, एंड प्लीज तांजे साथी, शी डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज विदाउट अ रेफरेंस। थैंक यू राहुल सर। वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस, प्लीज कृपया फिल्म पे आप सवाल आधारित रखें, लास्ट दो सवाल प्लीज, अपना नाम लेके फिल्म पे। हाय, माय नेम इज वैष्णवी एंड आई एम फ्रॉम टाइम्स। एक सेकंड, एक्चुअली द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब सबसे पहली बार हमारे प्रोड्यूसर संजय राउत जी सेट पे आए थे, हम माटुंगा में डेविड ससून में शूटिंग कर रहे थे, और मैं 60 ईयर्स के मीना ताई के गेटअप में सेट पे आई थी। मुझे किसी ने नहीं पहचाना, नवाज जी ने भी नहीं पहचाना उस दिन, वो भी आके खड़े हो गए, उन्होंने पहचाना ही नहीं, हाई हेलो नहीं बोला। और राउत सर को जब मैं सबसे पहली बार मिली, आई वॉज द 60 ईयर ओल्ड मीना ताई इन फ्रंट ऑफ हिम, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। Okay,
My question is to Raut sir. I'm Vaishnavi from Times. Sir, आपने कहा था कि हिंदी का जो फिल्म है वो उसके लिए सर्टिफिकेशन मिल चुका है सेंसर बोर्ड से, लेकिन कई ऑब्जेक्शंस भी लिए गए थे. बाबरी मस्जिद जो दिखाया गया है, कुछ डायलॉग्स है उसको लेकर, तो क्या एग्जैक्टली हुआ है वो सारे सीन्स? आपको किसने बताया क्या ऑब्जेक्शन है? सर तो क्या सीन्स है बाबरी मस्जिद वाले? देखिए सब कुछ है जो आप चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं. मैंने पहले भी कहा था कि ये सेंसर की कैंची वगैरह बाला साहब के लिए बहुत छोटी बात है. बाला साहब दूसरे के ऊपर सेंसर लगाते थे. ये क्या है? सब कुछ है. और सर आप उसी दिन और एक फिल्म भी रिलीज हो रही है, कई बातें हो रही थी कि वो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे. ऐसा किसी ने नहीं कहा है, ना मेरे पार्टी की तरफ से कहा है, ना और किसी ने कहा है कभी. हम ये बात देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि जियो और जीने दो, ये बाला साहब का हमेशा मंत्र रहा है, तो ये गलत बात है. एएनआयला स्टेटमेंट दिल्याप्रमाणे सीबीएफसी सोबत तुमच्या मीटिंग चालू होत्या, तर त्याबाबत सविस्तर सांगू शकाल का? कुठून प्रश्न आलाय? सॉरी, सीबीएफसीकडे एएनआयला स्टेटमेंट दिलंय सीबीएफसीने की तुमच्या त्यांच्या मीटिंग चालू होत्या, तर त्याबाबत सविस्तर सांगू शकाल का? क्लिअर बोला ना, काय सेन्सॉर बोर्ड सोबत निर्मात्यांच्या मीटिंग चालू होत्या असं स्टेटमेंट? सेन्सॉर बोर्ड सोबत कधी मीटिंग्स होत नाहीत. सेन्सॉर बोर्डची प्रोसिजर फार वेगळी आहे. संजय जी, रिसेंटली आमिर खान ने भी कहा कि फिल्म जो ठाकरे है उसके सामने कोई और फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए. ऐसा किसी ने कहा नहीं है मेरे पार्टी में. नहीं, आमिर सामने, खान ने कहा सामने उद्धव जी बैठे है, आदित्य जी है, ये हमारी पार्टी की कभी आइडियोलॉजी ना रही है, ना वर्किंग स्टाइल रही है. कमिंग बैक टू द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, मिस्टर भसी, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सो देयर वाज अ टसल ही सेड बिटवीन म्यूजिक एंड नो म्यूजिक, हाउ डिड We had a discussion on this. Then I said, like, you know, let's have some music, you know, to promote this. Because when you take this movie to overseas, you know, for a common people, so you need to have some sort of entertainment, some sort of music. So that's what we discussed the other day. I think that will be it. And Sanjay, thank you so Sanjay much. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Hello, hello. It's time for the photo op. Can we please have, sir? उद्धव सर प्लीज आइए. कैन आई प्लीज, पहले कास्ट और क्रू को आने दीजिए आगे. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, कास्ट और क्रू को आने दो. उद्धव जी प्लीज, या तुम्हें स्टेज पर.